कोरोना की चुनौती के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन 14 सितंबर से शुरू हो रहे इस सत्र के पहले ही तलवारें खिंच गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जहां संसद के दोनों सदनों में दिन की शुरुआत एक घंटे के प्रश्नकाल से होती रही है, उस प्रश्नकाल को इस बार नहीं रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी नहीं होगा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि बाहुबली नेता महामारी का बहाना लेकर लोकतंत्र और असहमति को कुचलेंगे। देर से हो रहे संसद सत्र में चुपके से घोषणा की गई कि प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे जायज कैसे ठहराया जा सकता है? सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। सरकार संसद को नोटिस बोर्ड बना देना चाहती है और अपने बहुमत के जरिए ये कुछ भी पास करा लेना चाहती है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, विपक्षी सांसदों ने सरकार से सवाल करने का अधिकार खोया है। 1950 के बाद पहली बार संसद का कुल कामकाज घंटा उतना ही है, तो क्यों प्रश्नकाल रद्द हो? महामारी का बहाना लेकर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसद भी प्रश्नकाल रद्द होने पर बिफरे हुए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से यह जरूरी था कि आप सब कुछ करो, हम सारे मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्नकाल या शून्यकाल से विपक्ष की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है और देश दुनिया की सारे मसला इसमें आ जाते हैं और इसके लिए प्रश्नकाल काफी अहमियत माना जाता है। अगर प्रश्नकाल नहीं है तो संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। कितने सारे सवाल है अभी पूरे देश में, किस लिए हम जनप्रतिनिधि हैं? लोगों के सरोकार के सवाल ना पूछे। 1000 के लगभग जाने प्रतिदिन जा रही है। जब 100-125 केस था तो आपने लॉकडाउन अफरा तफरी मचा दी। अब 80,000 के आसपास, 1,00,000 हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे प्रतिदिन केस का, वो सवाल ना पूछे जाए। मेरे ख्याल से सभापति जी ने और अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, कोई ये नहीं, यह निर्णय कोई सरकार का नहीं है, उन्होंने निर्णय लिया है और लेने के साथ ही साथ इस बात को ये कहा है कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। डेरेक ओब्रायन पुराने सांसद है, इस नाते उनको हमेशा संसद में भी टीएमसी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इससे पहले संसद सत्र देर से बुलाने को लेकर सवाल उठे थे। बहरहाल इस बार संसद सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की वजह से तय हुआ है कि लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी, बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक होगी। इसी तरह राज्यसभा पहले दिन यानी 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल प्रतिदिन होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।